नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिम मिश्रा। आप देख रहे हैं पीसी न्यूज। अक्षय कुमार फंस गए हैं बड़ी कानूनी मुश्किल में। पंजाब 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी से बेअदबी के मामले में अक्षय कुमार का नाम आ रहा है सामने। इस मामले में एक बड़ा विवादित नाम 20 साल की रेप की सजा काट रहे बाबा राम रहीम का भी है। पंजाब में 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी संबंधी घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली भीड़ पर पुलिस गोलाबारी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को बुधवार को अमृतसर की बजाय चंडीगढ़ में पेश होने का विकल्प दिया है। पंजाब पुलिस की SIT ने इससे पहले अक्षय को 21 नवंबर को अमृतसर सर्किट हाउस बुलाया था। SIT के सदस्य और पुलिस महानिरीक्षक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि हमने अक्षय कुमार को चंडीगढ़ में पेश होने की छूट दी है। आपको बता दें, बेअदबी की इस घटना पर न्यायमूर्ति रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में अक्षय कुमार का नाम सामने आया था। अक्षय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बीच किसी तरह की कोई बैठक कराने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। अभिनेता ने इस बात से भी इनकार किया है कि वो डेरा प्रमुख से कभी मिले भी थे। गुरमीत इस समय बलात्कार के दो मामलों में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। SIT ने अक्षय के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और शियत के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को भी बुलाया है। हालांकि अक्षय ने ऐसी किसी भी बैठक की व्यवस्था करने या इस प्रकार के किसी सौदे को करवाने में अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। वहीं बादल ने मंगलवार को कहा कि वो पंजाब के बाहर अक्षय कुमार से कभी मिले ही नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीसी न्यूज़।